रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हारा भारत। केविन थॉमस ने खेली 31 रनों की धमाकेदार पारी। मकोई ने पहली बार झटके 6 विकेट। तो क्या फिर खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रेडियो में लास्ट तक। और अगर आप भी भारतीय टीम को अपनी फेवरेट टीम मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वेस्ट इंडीज ने दूसरा T20 मुकाबला 5 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला दी है। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 139 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उन्होंने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए सबसे ज्यादा 68 रनों की पारी ब्रैंडन किंग ने खेली। वहीं डेविन थॉमस ने आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने बनाई, उन्होंने 31 गेंद पर 31 रनों की पारी खेली। वेस्ट इंडीज के लिए ओपनर मकाई ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। यह पहला मौका था जब उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचों में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं जेसन होल्डर ने 2 विकेट अपने नाम किए। दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मैच की पहली गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि सूर्यकुमार यादव 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर वापस लौटे। भारत के लिए ऋषभ पंत ने 12 गेंदों पर 24 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 27 रनों की पारी खेली। इस प्रकार भारत ने 138 रन बनाए, जिसे वेस्ट इंडीज ने 19.2 ओवर में 141 रन बनाकर टारगेट को चेज कर लिया। और वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म कर दी। सो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।